गुजरात के शराब माफिया डॉन का किरदार निभा रहे हैं। कहा जाता है शाहरुख खान का किरदार शराब माफिया डॉन अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर आधारित है। अब सवाल उठता है अब्दुल लतीफ कौन था, और हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अब्दुल लतीफ का जन्म अहमदाबाद के एक गरीब परिवार में हुआ। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। पेट भरने के लिए कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया और ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिसका अंत मौत के रास्ते पर खत्म होता है। अब्दुल लतीफ की जवानी की दहलीज पार करने की साथ साथ कुछ ही वर्षों में गैंगस्टर बन गया। उसका दबदबा अहमदाबाद के बाद पूरे गुजरात में फैल गया। अब्दुल लतीफ ने गुजरात में अवैध शराब बेचने निर्भर कितना मजबूत कर लिया था, यानी अवैध शराब बेचने वाला उसकी मर्जी से धंधा नहीं कर सकता था। और कहा जाता है अब्दुल लतीफ का बहुत सा इलीगल धंधा और वो हवाला में भी शामिल था। वो अपने गुजरात के पश्चिम तट पर स्मगलिंग का चार्ज वसूल करता था और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी काम करता था। कहा जाता है इसी बीच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी गुजरात के बड़ौदा में ड्रग्स का निर्भर फैला चुका था। इसी बीच दाऊद इब्राहिम और अब्दुल लतीफ में गैंगवार जंग छिड़ गई थी। लतीफ के गुंडों ने दाऊद को घेर लिया था और दाऊद इब्राहिम को बड़ौदा छोड़ना पड़ा था। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अब्दुल लतीफ की दोस्ती हो गई थी और वो दाऊद की सहायता में लम जेवलतर को जान से मार दिया था और गुजरात का डॉन बन गया। लतीफ का नाम मुंबई के सीरियल ब्लास्ट में भी आया था। शहर के मुस्लिम इलाकों में लतीफ गरीबों के लिए मसीहा का रूप में जाना जाने लगा। राजनीति समर्थन भी मिलने लगा था। 1985 में उसने जेल में बंद रहते हुए भी चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर चुनाव जीत ही गया था। अब्दुल लतीफ पर 97 पेंडिंग केस थे जिसमें से 10 मर्डर और बाकी का केस शराब का था। इसके बाद से उसे साबरमती जेल में रखा गया था। नवंबर 1997 में लतीफ ने एक बार भागने की कोशिश की जिसकी वजह से इनकाउंटर में वो मारा गया। रईस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और माहिरा खान भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। और भी जानकारी के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।